तो गाइस आज इस वाली वीडियो के अंदर मैं आप लोग को स्नैपचैट एप्लीकेशन का यूज करके अपने चेहरे को स्मूथ करना एंड साथ ही अपने बैकग्राउंड का कलर को बैकग्राउंड चेंज करना सीखने हूँ। गाइस आप लोगों ने बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियो देखी होगी इस टॉपिक से रिलेटेड, बट आप लोगों को मेरी जैसी वीडियो आज तक आप लोगों ने किसी ने नहीं बताई। प्लीज़ मैं पूरे दावे के साथ में कह सकता हूँ इस टाइप का वीडियो आप लोगों ने किसी ने यूट्यूब पर नहीं दिखाया होगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप जरूर एक बार यूट्यूब पर जाकर ट्राई करना कि मैं जैसा वीडियो किसी ने नहीं बताया होगा। तो प्लीज़ अगर आप इस टाइप का फोटो एडिटिंग बनाना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक वॉच करना एंड इससे पहले अगर हमारे चैनल पर रहते चैनल को सब्सक्राइब करके साइड की बेल आइकन ऑल पे प्रेस करना ना भूलेगा। तो चलेगा बिना देख सकते वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ओके तो अगर सबसे पहले तो आप लोग जिस भी फोटो को एडिट करना चाहते हैं सिंपल से आप लोग अपनी फोटो को शेयर कर दें स्नैपचैट एप्लीकेशन के अंदर एंड स्नैपचैट एप्लीकेशन में आने के बाद में आप लोगों को सिंपल से टूल का ऑप्शन मिलेगा नीचे साइड, तो इस पर क्लिक कर देने देन क्लिक कर देने के बाद में आप लोग यहाँ पे ट्यून इमेज का ऑप्शन मिलेगा ये रहता है, सिंपल से आप लोग इस पर क्लिक कर देने और देन क्लिक कर देने के बाद में आप लोग ब्राइट को हल्का सा इंक्रीज कर लेना, अपनी फोटो के एडजस्ट कर लेना जितना आप अपने अकॉर्डिंग रखना चाहते हैं। तो मैं इसको इतना रख लेता हूँ 40 के आसपास रख लेता हूँ एंड यहाँ पे सेचुरेशन को डिक्रीज कर देने कुछ स्टेप से 20 के अराउंड रख लेने एंड यहाँ पे अम्बाइंस को डिक्रीज कर देने कुछ स्टेप से। ओके नीचे आके हाईलाइट को इंक्रीज कर लेने लगभग 30 के अराउंड रख लेना देन यहाँ पे नीचे साइड डन का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे डन करके आप लोग को बैक चले जाना एंड ऊपर साइड आप लोग को तीर का ऑप्शन मिलेगा ये रहा, तो इस पर क्लिक कर देने और क्लिक कर देने के बाद में आप लोग इसके अंदर यूडिट का ऑप्शन मिलेगा ये रहा, तो इस पर क्लिक करना है एंड ट्यून इमेज जैसे बुर्स को सिलेक्ट कर लेने। ओके अब कर देने के बाद नीचे साइड आप लोगों को कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा, तो यहाँ से आप लोग बुर्स की एज को 100 कर लेंगे। मैं कर लिया हूँ एंड ऐसे अपनी फोटो को जूम करना है कुछ इस टाइप से एंड यहाँ पे कुछ इस टाइप से अपनी स्किन के ऊपर इस बुर्स को ड्रॉ कर देने, तो यहाँ पे देखते अच्छी तरह मेरी स्किन वाइट हो रही है यहाँ पे, तो आप लोग भी कुछ इस टाइप से अपनी स्किन को वाइट बना सकते हैं। तो चलेगा जी ऐसे मैं फटाफट से अपनी स्किन को वाइट बना लेता हूँ। ओके सो गाइस इतना कर देने के बाद में नीचे साइड आप लोग को रेड का ऑप्शन मिल गया, यहाँ पर राइट करके आप लोग को बैक चले जाने एंड यहाँ से भी बैक हो जाने, तो यहाँ पे देख दो चेहरा भी वाइट बन चुका है। सिंपल से क्या करना है आप लोग को टूल वाले ऑप्शन पे फिर से क्लिक कर देने देन क्लिक कर देने के बाद में नीचे साइड आएंगे तो आप लोग यहाँ पे ब्लर लेंस का ऑप्शन मिलेगा, सिंपल से आप लोग इस पर क्लिक कर देने और क्लिक करने के बाद में आप लोग ब्लस्ट रेंज को कितने रख लेना है यहाँ पे 15 के आसपास रख लेना एंड रखने के बाद में आप लोग ट्रांजेक्शन को जीरो करके कुछ टाइप चीज के सर्किल को छोटा करके नीचे को लेकर जाना है एंड यहाँ पे नीचे साइड राइट का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे राइट करके आप लोग को बैक हो जाना है देन बैक होने के बाद में फिर से आप लोग को तीर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ये ऊपर की साइड तो इस पर क्लिक कर देना और क्लिक करने के बाद में यूडिट वाले ऑप्शन पे आके यहाँ से हो जाना है बैक आप लोग को। ओके एंड ब्लर लेंस ऐसे बुर्स को सिलेक्ट कर लीजिए। ओके एंड ऐसे बुर्स को 100 कर लेना है, मैं दिखा देता हूँ आप लोग को, तो 100 कर लेना है आप लोग, अपनी फोटो को जूम करना है कुछ इस टाइप से एंड कुछ इस टाइप से अपनी स्किन के ऊपर ड्रॉ कर देने। अभी आप लोगों को दिख नहीं रहेगा कि चेहरा स्मूथ होना है, बट मैं आप लोगों को पूरा इसको पूरा करने के बाद में आप लोगों को बताता हूँ कैसे आप लोगों को चेहरा स्मूथ हुआ। तो चलिए यहाँ पे मैं फटाफट से अपने चेहरे को स्मूथ कर लेता हूँ ऐसे। ओके सो गाइस मैंने से अपने चेहरे को स्मूथ कर लिया, बट आप लोग को दिख नहीं रहेगा तो यहाँ पे कुछ टाइप से अपनी फोटो को जूम करना है एंड ऐसे बिफोर एंड आफ्टर देख सकते हो, तो चेहरा काफ़ी मस्त तरीके से आप दिख रहा है आप लोगों को बिफोर एंड आफ्टर, तो आप लोग भी कुछ टाइप से चेहरे को यहाँ पे स्मूथ काफ़ी अच्छे तरीके से बना सकते हैं। सिंपल से नीचे से राइट क्लिक करके यहाँ पे बैक हो जाना है। ओके फिर से टूल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना देन नीचे साइड आएंगे तो आप लोग को डबल एक्सपोज का ऑप्शन मिल जाएगा ये रहा, तो सिंपल से आप लोग इस पर क्लिक कर देना देन क्लिक करने के बाद में आप लोग इसके अंदर आप लोग यहाँ पे एड फोटो का ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपल से आप लोग इस पर क्लिक कर देना और गैलरी में से अपने बैकग्राउंड को ऐड कर लेना। सभी मटेरियल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन भी मिल जाएगा, सिंपल से आप लोग वहाँ पे जाके डाउनलोड कर लेना। तो गाइस यहाँ से मैं अपने बैकग्राउंड को ऐड कर चुका हूँ एंड कर लेने के बाद में सिंपल से आप लोगों को राइट वाला ऑप्शन सॉरी बिंदी वाला का ऑप्शन मिल जाएगा नीचे साइड, तो इस पर क्लिक कर देने एंड इसकी ओबेसिटी को 100 करके डन करके बैक हो जाने एंड ऊपर तीर वाले आइकन पे फिर से क्लिक कर देने एंड क्लिक कर देने के बाद में आप लोग को यूडिट एंड डबल एक्सपोज जैसे बुर्स को सिलेक्ट कर लें देन सेलेक्ट कर लेने के बाद में आप लोग क्या करना है ये बुर्सी आज को 100 कर लेने कुछ स्टेप से जैसे मैं कर रहा हूँ एंड अपनी फोटो को जूम करके कुछ स्टेप से अपने बैकग्राउंड के अंदर बुर्स को ड्रॉ कर देने, तो जैसे मैं कर रहा हूँ तो आप लोग भी कुछ स्टेप से कर लेना है। तो जब सबसे पहले आप लोग अपनी फोटो के लाइन पर ड्रॉ कर लेना कुछ स्टेप से, अगर गलती से आप लोग अपनी बॉडी के ऊपर जाना है तो सिंपल से बुर्सी आज को 100 कर लेना है, तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ आप लोग जीरो कर लेना बुर्सी आज को
एंड कुछ स्टेप्स इसको रिमूव भी कर सकते हैं यहाँ से। तो काफ़ी बेनिफिट है इसके ऐप के अंदर, अगर आप अच्छे से यूज़ करना सीख गए तो आप लोग अपनी फ़ोटो को इसी ऐप के अंदर एडिट करना काफ़ी धीरे तरीके से सीख जाएंगे। बस आप लोगों को थोड़ी सी मेहनत करना पड़ेगा, वह मैं आप लोगों को बाकी काम भी मेरा सिखाने का मैं आप लोगों को सिखा सकता हूँ। सो गाइस आप लोग भी कुछ स्टेप से करके आप लोग अपने बैकग्राउंड का काफ़ी मस्त तरीके से चेंज कर सकते हैं। तो चलिए मैं आप इसको फटाफट से कर लेता हूँ। ओके सो गाइस यहाँ पे मैं अपने बैकग्राउंड में ड्रॉ कर चुका हूँ एंड सिंपल से कर लेने के बाद मैं आप लोग को राइट वाला ऑप्शन करके यहाँ से बैक हो जाना है आप लोग को। ओके कर देने के बाद में फिर से टूल वाले ऑप्शन पे जाना है, डबल एक्सपोज प्लस वाला आइकन में जाना है और गैलरी में से आप लोग अपने कलर को ऐड कर लेना है। उस कलर का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन पे। सो गाइस ये वाला कलर पैनल को ले लेना है। लेने के बाद में सिंपल से आप लोग को सेकंड नंबर वाले ऑप्शन पे आ जाना है। देन आने के बाद में आप लोग यहाँ पे इसको डार्किंग कर देना है, डार्किंग लाइटिंग जो भी आप करना चाहते हैं सिंपल से आप लोग इसको कर देना है। देन कर देने के बाद में आप लोग